नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। 25 जून की न्यूज़ है। मैं बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसमें मैंने बात भी नहीं की, लेकिन मैं आज इस न्यूज़ का सहारा लेके, मैं इस इंसिडेंट का सहारा लेके आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक मन का थॉट आया हुआ है, उन लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, दो लोगों के सामने। एक वो लोग जो लोग मुसलमान हैं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम का फॉलोअर कहते हैं, एक वो लोग जो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट होने वाला, कन्वर्ट करने वाले, दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। शायद बहुत लोग कन्वर्ट होने से बच जाएं और बहुत लोग कन्वर्ट करना छोड़ दें। श्री टीवी ने अपने डॉक्यूमेंट्री के द्वारा कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की कि कैसे 1000 बच्चों को, डम्ब एंड डेफ मतलब गूंगे बहरे बच्चों को कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। अगले ने बोस्ट भी किया है कि हमने 1000 को कन्वर्ट कर लिया है, उनको पैसे, विवाह और नौकरी का लालच देके। ठीक है, आपको मैं द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप पूरा पढ़िए, समझिए इस बात को। ईडी टू प्रूव मनी लॉन्डरिंग एंगल इन उत्तर प्रदेश रिलीजियस कन्वर्जन केस। इनके पीछे ईडी भी लग चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस न्यूज़ का वो हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, पूरा समझिएगा इस चीज़ को और शेयर करिएगा, बहुत क्रूशियल चीज़ है। द ईडी हैज़ रजिस्टर्ड अ क्रिमिनल केस ऑफ मनी लॉन्डरिंग इन कनेक्शन विद अलेज्ड कन्वर्जन ऑफ सम डेफ स्टूडेंट्स एंड पुअर पीपल टू इस्लाम इन उत्तर प्रदेश विद परपोटेटेड फंडिंग फ्रॉम पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ऑफिशियल सोर्स सेड ऑन फ्राइडे। मतलब कन्वर्जन के लिए प्रॉपर पैसा आता रहा, ये हम लोगों ने मतलब बहुत लोगों ने ऑलरेडी कई बार कहा हुआ है कि कन्वर्जन के लिए, जिहाद के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा मदरसों में, मस्जिदों में, इन छोटे मोटे संस्थानों में, आउटफिट्स में आता रहा है। कोई नहीं मानता था, अब जब सामने आया है तो धीरे धीरे हर बात को एक्सेप्ट करेंगे ये गधे। लेकिन खैर रुकिए, इनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, ये जो उमर गौतम वाला जो केस सामने है। द मैटर केम टू लाइट आफ्टर द यूपी पुलिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अरेस्टेड 2 मेन रेजिडेंट ऑफ जामिया नगर इन दिल्ली। अब जब जामिया नगर, जैसे मतलब जामिया हो गया, अकबरपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, जितने ये जो मुगलों वाले नाम हैं, ऐसी जगहों पे पनाह लेने तो ऐसे ही लोग आएंगे ना। खैर, अर्लियर दिस वीक द यूपी पुलिस हैड आइडेंटिफाइड अरेस्टेड अक्यूज एज मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काजमी। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम है, शहर जिले का नाम। एंड मोहम्मद उमर गौतम, मोहम्मद भी है, उमर भी है, गौतम भी है। तो मोहम्मद उमर तो पहले कन्वर्ट हो गया, और गौतम इसलिए रह गया कि उसको गलती से रिजर्वेशन कहीं मिल जाए, कहीं ISI बन जाए तो कुछ देश को और दीमक की तरह चाट पाए। खैर, द ATS क्लेम्ड दैट दे रन एन आउटफिट नेम्ड इस्लामिक दवा सेंटर दैट परपोटेडली हैड एक्सेस टू फंड्स फ्रॉम पाकिस्तानीज इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI एंड अदर फॉरेन एजेंसीज टू कैरी आउट देयर अलेज्ड इलीगल एक्टिविटीज। ठीक, अब ED ने FIR रजिस्टर कर ली है। अब एक मेन पैराग्राफ और समझिए। After the arrest, UP Police ADG Law and Order Prashant Kumar had told the media that Gautam, who himself is converted to Islam from Hinduism, boasted to the police of having converted at least 1,000 people to Islam, luring them with marriage, money and jobs. यही मैं कह रहा था पहले भी कि उसने boast किया, कह रहे मैंने 1,000 बच्चों को, 1,000 लोगों को convert कर लिया इस्लाम में, शादी, पैसा और जॉब के लालच में। The officer said that the ATS had been working on the case after it obtained intelligence that some people were getting funds from ISI and other foreign agencies for converting people, poor people, to Islam and spreading communal enmity in the society. अब यहाँ पे कुछ aspects के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज, वो moderate मुसलमान, वो secular मुसलमान जो ये दावा करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं कि विदेशों से पैसा आए कन्वर्जन के लिए, जिहाद के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं जिसे हम कन्वर्जन भी कहते हैं या फोर्सफुल कन्वर्जन भी कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ इस्लाम में होती ही नहीं, हम ऐसा करते ही नहीं। वो तो लोग प्यार से आ जाते हैं, इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ये उमर गौतम, उनके मुँह पर इतना बड़ा तमाचा है, एक चमाट मारूंगा ना तो ऐसा खड़खड़ बिखर जाएगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, उन मॉडरेट सेकुलर मुसलमानों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के सामने ये हो रहा था, जब ये खबर सामने आई, जब ये इंसिडेंट सामने आया उमर गौतम वाला, 1000 डम एंड डफ लोगों को कन्वर्ट किया, उसका उसको बहुत खुशी है, गर्व है इस बात का। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने, 100, 1000, 500 लोगों ने जाके एक शाहीन बाग जैसी सिचुएशन क्रिएट की
हज़ारों की तादाद में बैठ गए, 100 की तादाद, 200 की तादाद, चलो इतनी छोटी भी चलेगी, और ये कहा कि हमारे इस्लाम में तो फोर्सफुल कन्वर्जन होता ही नहीं, लालच दे के कन्वर्जन होता ही नहीं, हमें ये उमर गौतम नाम का आदमी, और जो जैसे मोहम्मद उमर गौतम और जो काजमी जो लंबा चौड़ा नाम था घटिया सा, वो व्यक्ति हमें अरेस्ट चाहिए, फांसी पे चाहिए, जो सारे बच्चे थे उनका कन्वर्जन नल एंड वॉइड हो जाएगा, ऐसा कोई मुल्ला मौलवी बोल देता, इमाम बोल देता अपने मस्जिद से लाउड स्पीकर से, लाउड स्पीकर किसी अच्छे काम में भी काम आ जाए, बोल देता कि कन्वर्जन नल एंड वॉइड है क्योंकि फोर्सफुल है, ठीक है, और जो बेचारों को तकलीफ़ हुई हम उसका कुछ कंपनसेशन देंगे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे इस्लाम की, हमारे मजहब की बदनामी की है, इसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ये हम पे छोड़ दिया जाए, हम देख लेंगे, तमाम चीज़ें कर सकते थे एक मैसेज देने के लिए पॉजिटिव, आपने नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट देश विरोध में नहीं था ना, इस्लाम विरोध में चला जाता, आप क्यों करते प्रोटेस्ट, आप जानते हैं कि वो जो कर रहा है कहीं से इंस्पायर होकर कर रहा है, एक पर्टिकुलर किताब को पढ़ के आया है सब करने के लिए, ठीक है, वो खुद भी कन्वर्टेड है, ओके। और अब जो मैं बात कर रहा था कि कन्वर्जन रोका कैसे जा सकता है, सपोज़ किसी क्रिश्चियन मिशनरी ने या किसी मुल्ला मौलवी ने आपको कन्वर्ट कर दिया, एक आयत पढ़ा दी, ठीक है, किसी लालच में या तलवार की धार पे, या आपको पानी में डुबो के बैप्टाइज कर दिया, जो भी करना है कर दिया, अब वो अपने रास्ते, अब अपने रास्ते, हाँ दोनों ने एक बात डराई होगी कि अगर छोड़ा तो कत्ल हो जाएगा या फिर नर्क में जलोगे, नर्क वाला कॉन्सेप्ट तो चलो इमेजिनरी है, कत्ल वाला रियल भी हो सकता है, ठीक है, इस्लाम में इस्लाम छोड़ने पे कत्ल हो जाते हैं, ऐसा किताब कहती है, आप अपना हुलिया बदल के, मतलब मुसलमानों वाला, मुल्लों वाला जो ये सब चीज़ें हटा के क्लियर क्लीन हिंदू जीवन जिए, आप वो दकियानूसी घटिया प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं कि आप करें, वो घटिया पहनावा नहीं पहनेंगे जो वो चाहते हैं कि आप पहनें, लिटरली ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कहीं से उठा के कहीं कन्वर्ट कर दिया जा सके, ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना वो कन्वर्जन फ्लॉप है, बस जनता अपने आप में रियलाइज़ करे, अब लोग ये मत सोचिएगा कि आप कह रहे हो कन्वर्ट कर भी रहा है, तुम कह रहे हो कन्वर्जन, मैं कह रहा हूँ कि कर दिया उसने, अटेम्प्ट कर दिया आपको कन्वर्ट करने का, वो चीज़ गलत है, लेकिन कन्वर्जन आप एक्सेप्ट करो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए दिखावा कर लो कन्वर्ट होने का, और जब आपको लगे कि आपकी जान बच चुकी है आप खसक जाओ ना वहाँ से, पुलिस कंप्लेन कर दो, पकड़वा दो, जो चाहे कर दो, भीड़ बुला के उसको पिटवा दो, सेल्फ डिफेंस में पिटवा सकते हो, सकता है ये बातें बहुत लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, हो सकता है लोगों को लगे कि ये तो बहुत आम सी बात है, नहीं आम सी बात नहीं, लोग ऐसा करते हैं, उमर गौतम का एग्जांपल ले लेते हैं, उमर गौतम ने अपने नाम में गौतम इसलिए भी रखा ना कि वो जात पात का फायदा ले सके, गौतम इसलिए भी रखा ना कि वो ओबीसी एससी एसटी जितने रिजर्वेशन मिलते हैं उसको, उसमें से जो भी मिल सकता है उसका फायदा ले सके, तो उसको अपने माइनॉरिटी मुसलमान बन गया तब तो माइनॉरिटी भी हो गया, तो उसको अपने माइनॉरिटी होने का भी फायदा लेना था और अब गौतम होने का भी फायदा लेना था, ये कॉम्बिनेशन इतना सेकुलर कॉम्बिनेशन देखने को आपको कहाँ मिलेगा, उमर गौतम। खैर इस वीडियो में इतना, मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा शेयर करी, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है, इस मानसिकता को एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।